कोरोना वायरस के चलते घोषित लॉकडाउन के दौरान रविवार को पुलिस ने झंघा थाना क्षेत्र में हुए डबल मर्डर की घटना का खुलासा कर दिया। रेदर पुलिस लाइन के सभागार में घटना का खुलासा करते हुए एसपी नॉर्थ अरविंद कुमार पांडे ने बताया कि घटना में शामिल 6 हत्यारोपी समेत कुल 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। खुलासे के दौरान एसपी क्राइम अशोक कुमार वर्मा, सीओ क्राइम परवीर सिंह, सीओ चौरी चौरा रचना मिश्रा सहित क्राइम ब्रांच की टीम मौजूद रही। घटना का खुलासा करते हुए एसपी नॉर्थ अरविंद कुमार पांडे ने बताया कि झंघा थाना क्षेत्र के गौरीघाट पुल के पास 24 मई को दो चचेरे भाइयों को अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसका खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया कि नई उम्र के दो मनबड़ गुटों के आपसी वर्चस्व को लेकर डबल मर्डर की वारदात को अंजाम दिया गया था। वारदात को अंजाम देने वाले विरोधी गुट के सरगना अमन पटेल समेत 6 हत्यारोपित को गिरफ्तार किया गया है, जबकि हत्या की साजिश में शामिल और हत्यारोपियों के मददगार 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की गिरफ्त में आए हत्यारोपियों के पास से हत्या में इस्तेमाल प्रतिबंधित बोर के 3 9mm पिस्टल समेत 1 तमंचा और कारतूस बरामद किया गया है। एसपी नॉर्थ अरविंद पांडे ने बताया है कि दो गुटों में पिछले 2 सालों से काफी टसन चल रहा था और इन दोनों गुटों के सभी सदस्य फिल्मी खलनायकों से प्रेरित होकर अपना गैंग चलाते थे। इन्होंने महाकाल और महादेव नामक दो व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा था, जिसमें एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते रहते थे। घटना के कुछ ही पहले इन दोनों गुटों में काफी विवाद हुआ था और विवाद इतना बढ़ गया कि इन्होंने दोहरे हत्याकांड को अंजाम दे दिया। गिरफ्तार हत्यारोपियों की उम्र 20 से 21 साल की है और यह सभी झंघा थाना क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में राजनी और छोटी मोटी घटनाओं को अंजाम दिया करते थे। गिरफ्तार अभियुक्तों में खोराबार थाना क्षेत्र निवासी अमन पटेल उर्फ गोलू पुत्र रामचंद, अमित सिंह उर्फ विवेक पुत्र विजय प्रताप सिंह, झंघा थाना निवासी अभिषेक उर्फ निशु चौबे पुत्र राजेश चौबे, सत्यम यादव पुत्र नीरज यादव, अनिकेत उर्फ विशाल पुत्र कमलेश यादव, अभिहित यादव पुत्र उदयबान, शशि कुमार पुत्र जोखन प्रसाद, राणा प्रताप सिंह पुत्र राम निवास सिंह, सोनू उर्फ शिवाजी पुत्र चौधरी राम केवल शामिल है, जबकि अभी 3 मुख्य आरोपी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। इन तीनों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस इनाम घोषित करने की तैयारी में जुटी है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी नॉर्थ अरविंद कुमार पांडे ने बताया। लेकिन ये है कि थोड़ा कोरोना है, थोड़ा दूर दूर आप लोग भी रहे और कैमरे के जूम का उपयोग कर रहे हैं। भागा था और उसी से हम लोग की पुष्टि हुई, मतलब बात गांव वालों ने भी उस वक्त बताया था। वो अनिकेत यादव है और डबल क्रॉस है। अच्छा। उस पार्टी को चढ़ा के ले जाना बेहद गंदी रही है और घटना कारित कराने का सूत्रधार इसे ही माना जाए तो दोनों के विश्वास में था। इसे देखिए, जो नई उम्र के लड़के होते हैं ना, इनमें दोस्ती यारी का बड़ा वो रहता है। अब ये जो है अपने आप को जो है उसी तरह माफिया की तरह जो प्रोटेक्ट करते हैं। अनिकेत वास्तव में अमन पटेल के साथ में था, लेकिन दिवाकर के साथ भी उसकी जो है मित्रता थी। अमन पटेल के कहने थे, इसके द्वारा उसको जो है वहाँ पार्टी में बुलाया गया पार्टी देने के नाम से और अमन पटेल के सहयोगियों को भी सूचना दी गई। मतलब कहीं से मतलब दो टीम काम कर रही थी वहाँ पे, एक साथ और सब एक साथ पहुँचे थे, एक साथ घटना चल रही थी। अभी तो गोली मारने में तो 5 लोग शामिल हैं, जो 5 लोग मतलब ना प्रथम टायर में थे, अमन, अमीश, निशु, राहुल कट्टा, सत्यम। जैसे कि आप लोग अवगत हैं कि 24/5 को अपराह्न में 2 बजे के आसपास जो एक डबल मर्डर हुआ था और ये जिले में एक गंभीर घटना थी, इसको लेके हमारी टीम को और क्राइम ब्रांच की टीम को संयुक्त रूप से
उस घटना में शामिल अभियुक्तों की गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। उससे भी बड़ी बात है कि हत्या में प्रयुक्त सभी असलहे हम लोगों द्वारा बरामद किए गए हैं और तीन जो है इनके सहयोगी जो व्यक्ति हैं उनको भी गिरफ्तार किया गया है। मुख्य आरोपी कौन था और किस तरह घटना का अंजाम? देखिए, मुख्य शुरुआत में तो केस ब्लाइंड था, लेकिन शुरुआत में जो है अमन पटेल नाम का एक लड़का आ रहा था, जो एक तरह से जो है उद्दंड युवाओं के समूह का लीडर था है। अमन पटेल और बाकी उसके जो है छः साथी जो है पकड़े गए हैं और जो अभी आपके सामने जो है प्रस्तुत किया गया। सब एक ग्रुप की बात थी, एक महादेव ग्रुप और महाकाल ग्रुप, ये बात सही है कि नई उम्र के लड़के हैं और फिल्मों से ज़्यादा प्रभावित हैं और कुछ जो है इनके आइडियल्स जो है गलत सेट हो गए हैं, जिनमें से एक मैंने इन सभी लड़कों के जो है फेसबुक वगैरह पे जो है फोटो अपराधियों की ही लगी हैं या उद्दंड किस्म के संदेश हैं कि नई उम्र के युवा हैं जिनके द्वारा जो है इनका एक अच्छा खासा ग्रुप है और जो मृतक ग्रुप है उसके कुछ मतलब कुछ ऐसा है कि इनसे टच रहा है, कुछ इनके जो है कॉमन फ्रेंड्स भी हैं तो इस चीज़ में को लेके पारस्परिक प्रतिद्वंद्विता और उद्दंडता में जो ये घटना इनके द्वारा कारित की गई जिसमें जो है हम लोगों को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई। क्या था? देखिए, नई उम्र के लड़कों में वर्चस्व की लड़ाई होती है, मुख्य रूप से वही थी, एक दूसरे गुट के लड़कों को एक आध बार पीट देना। दिसंबर 18 में एक झगड़ा हुआ था, उसकी भी जो है कुछ जो प्रतिद्वंद्विता चल रही थी जिसके चलते घटना कारित की गई। नहीं, आपराधिक मुकदमे अमन पटेल पे पहले का एक दर्ज है, उसके अलावा जो है इस घटना वारदात में जो है इनके शामिल होने की बात प्रकाश है में जो जिससे संबंधित जो मुकदमे हैं वो दर्ज है। सर, जो हत्या हुई है दिवाकर और कृष्णा जी, इनके ऊपर मुकदमा दर्ज था? हाँ, इनके ऊपर भी मुकदमा दर्ज था, एक स्वस्थ अधिनियम का और एक मारपीट का मुकदमा दर्ज था दिवाकर के ऊपर। नहीं, अभी तीन अभियुक्त जो है जो मेन शूटर कुल 9 थे जिनमें 6 अभियुक्त हम लोगों ने गिरफ्तार किए हैं, 3 अभियुक्त अभी जल्दी गिरफ्तार करेंगे, उन पर पुरस्कार घोषित करा जाएगा।